गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक फेशियल जो कि है रोज़ वाटर फेशियल। आपको ओनली 4 स्टेपों में आपकी जो स्किन डल होती है या फिर ड्राइनेस हो रही है, जो भी आपकी स्किन हो रही है, उसको ब्राइट कर देगा। और सिर्फ 4 स्टेपों में करना है आपको, बहुत अच्छी आपकी स्किन देगा। मैंने इसे कैसे बनाया या फिर मैं इसे कैसे करती हूँ तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्लिंजर करना है। तो क्लिंजर के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 1 चम्मच बेसन, 1 या 2 चम्मच लेना। उसमें आपको 4 चम्मच डालनी है रोज़ वाटर की, और अच्छे से उसे मिक्स करके एक थिन सा रनिंग सा पेस्ट बना लेना है और अपने फेस पर अच्छे से इसे अप्लाई करना है। तो बस इसको हमें एक अच्छे से फेस वॉश की तरह इसको रब करना है। फर्स्ट स्टेप करना है हमको क्लिंजर। जब भी फेशियल करोगे तो उसके लिए सबसे पहले क्लिंजर करना पड़ता है। तो क्लिंजर के लिए हम सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से रब करेंगे। जितनी भी डर्ट स्किन होगी उसको अच्छे से रिमूव करेंगे, निकालेंगे। अच्छे से रबिंग करनी है, मतलब स्क्रब करना है एक तरीके से, और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से स्क्रब करना है, क्लीन करना है अपने फेस को, फिर मुंह धो दें। और जब आप मुंह वॉश करके आओगे ना तो अपनी स्किन में आपको एक अच्छा है निखार मिलेगा, और एक टोन लेवल ही आपको स्किन ब्राइट दिखने लग जाएगी, ग्लास दिखने लग जाएगी। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप में हमको अपने फेस पर टोनर यूज़ करना है। तो टोनर के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको रोज़ वाटर लेना है और उसको किसी भी बॉल में इवन ऐसे ही ले लो, 2 से 3 चम्मच ले लेना बस। बहुत अच्छी खुशबू है लेना है। उसके बाद ऐसे जो कॉटन पैड्स आते हैं वो लेने हैं, उसको डिप करना है अच्छे से लाइक ऐसे। तो उसको अच्छे से डिप करने के बाद अपने फेस पे ना जेंटली उसको ऐसे कर देना है। बहुत प्यारी खुशबू आती है। रोज़ वाटर को हम टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस सेकेंड स्टेप का यही करना है, और इस टोनर को अपनी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगाना है। रोज़ वाटर होता है ना, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उससे हमारी जितनी भी डर्ट होती है, जितनी भी स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा दूँगी, और कम से कम 10 मिनट तक वेट करूँगी इसके सूखने का। इसके बाद मुँह वॉश नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। उसके बाद ही हम अपना 3rd स्टेप करेंगे। तो 3rd स्टेप के लिए हमें बेसिकली जेल रेडी करना है। उसके लिए आपको 3 से 4 चम्मच रोज़ वाटर के लेने हैं। उसमें 2 चम्मच या फिर आप 1 चम्मच एरोवेरा जेल डालना है, और उसमें डालना है ये विटामिन ई का 1 कैप्सूल, मतलब आपको 1 कैप्सूल ही डाल देना है। और इस सब को अच्छे से मिक्स करना है। ये एक जेल जैसी क्रीम बन जाएगी। तो ये आपकी मसाज जेल क्रीम रेडी है, उसको आप अपने फेस पे लगाओगे। स्टेप्स होगा हमारा मसाज जेल, इसको बस अपने सिंपली अपने फेस पे अच्छे से तो उसको बस अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मेरे बाल, अरे यार बहुत तंग करते हैं बाल। मेरे बस हाँ मम्मी, दोनों हाथों पर आपको लेना है, बस अच्छे से अप्लाई करना है पूरे फेस पे। इधर भी लगा सकते हो, गर्दन पे भी लगा सकते हो, फुल बॉडी पे भी लगा सकते हो, ठीक है। और आप इसको, यदि आपकी ज़्यादा बनती है तो आप इसको फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हो, सोने से पहले लगा लेना। मेरी स्किन में अलग से शाइन सी आ गई थी। तो बस इस क्रीम के, इस मसाज जेल के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत बार इसे यूज़ किया है। जब मेरी ये बच जाती थी ना तो मैं इसको अपना फ्रीज में रख दी थी स्टोर करके, और डेली रात को ज़रूर लगाती थी सोने से पहले। तो इसके जो रिज़ल्ट है ना, मुझे बहुत अच्छे मिलते थे, और अभी भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ और लगाती हूँ। तो बस इसको आपको 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पे, ठीक है ना। क्योंकि जितनी भी हम अपने फेस पे मसाज करते हैं ना, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दिस इज वेरी क्लियर स्किन, और बहुत ही प्यारा सा ग्लो मिलता है। तो अब हम करते हैं 4 स्टेप। तो आपको लास्ट स्टेप के लिए करना है, 1 चम्मच लेना है राइस फ्लोर, 1 चम्मच लेनी है कॉफ़ी, उसमें डालने हैं 3 से 4 चम्मच रोज़ वाटर के, और अच्छे से इसे मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट रेडी कर देना है जो कि हमारे स्किन और फेस पे अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू है, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लो देता है। बस सिंपल इसको अच्छे से लगा लेना है अपने पूरे फेस पे,
बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और पूरे फेस पे अप्लाई होने के बाद आपको अपने फेस पे इसको 10 से 15 मिनट तक रखना जब तक कि ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसको मुंह को वॉश कर देना। आप जब इसको रिमूव करोगे ना, आपको रिज़ल्ट तभी दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसकी। मेरी पूरी स्किन में एकदम ग्लास जैसी हो गई थी मेरी स्किन, और बहुत ही अच्छा ग्लो दिया था इस फेस पैक या था। तो मैं मुंह वॉश करके आऊँगी तो आप खुद देख लेना कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया था। आपकी स्किन को भी इतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको महीने पे, हफ्ते में, जब भी आपको टाइम मिले आपको ज़रूर अप्लाई करना। बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो वीकली आपको ये फेशियल तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही ईजिली हो जाता है, और सिर्फ 4 स्टेपों में आप अपनी स्किन को ग्लास जैसा, ब्राइट, और जितनी भी टैनिंग होती है उन सबको अच्छे से रिमूव कर दोगे ओनली 4 स्टेपों में। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।